फ्रूट, जमीन और कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बदमाश को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी का नाम जुबेर शेख, जिसने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। आरोपी ने किसी को कार का व्यवसाय करने का लालच दिया तो किसी को ड्राई फ्रूट का। आरोपी ने अब तक कई लोगों को चूना लगाते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने अपनी बहन के साथ मिलकर इन सभी वारदातों को अंजाम दिया है। ये एक व्यक्ति है जुबेर शेख, ये काफ़ी समय से गायब थे और इनके बारे में ये था कि कई लोगों को जो है धोखाधड़ी कर कर गायब हुए हैं। ड्राई फ्रूट का व्यवसाय के नाम पर इन लोगों ने लोगों से पैसा लिया है। इसमें अभी दो फरियादी हमारे पास आए हैं, एक साहिल हैं और एक जो दूसरे फरियादी हैं उनकी रिपोर्ट पर भी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है। और उनका ये था कि इन्होंने एक से तो एक डॉक्टर दानिश हैं, डॉक्टर दानिश से इन्होंने ड्राई फ्रूट के व्यापार में फ़ायदा दिलाने के नाम पर और बिजनेस के नाम पर उनसे करीब 43 लाख रुपए लिए थे। उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है धोखाधड़ी का। और एक और अपराध पंजीबद्ध किया है अमानत में खयानत का, वो साहिल करके हैं। उनसे इन्होंने BMW और फॉर्चुनर दो गाड़ियों का सौदा हुआ था, पूरे पैसे भी ले लिए थे, करीब 50 लाख रुपये दोनों गाड़ियों के ले लिए थे। उसमें जुबेर की बहन शबाना को भी आरोपी बनाया है और इन लोगों ने पैसा लेकर और गाड़ी भी इनको नहीं दी और गाड़ी लेकर ये चले गए थे जम्मू कश्मीर। वो एक गाड़ी उनके नाम पे थी, एक एग्रीमेंट उन्होंने किया, उन्होंने स्वयं ने विश्वास दिलाया था कि ये गाड़ी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर वो गाड़ी न देकर लेकर चले गए। कई लोगों से धोखाधड़ी की है, अभी तो लोग भी सामने आ रहे हैं और ये बता भी रहा कि नहीं मुझे सबको पैसा देना है, क्योंकि व्यवसाय के नाम पे लिया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यवसाय में नुकसान होने की वजह से लोगों का जो पैसा नहीं दे पाया, जो भी रोटेशन का ख़राब हुआ। लेकिन कुल मिला के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, उसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उनसे और पूछताछ जारी है। अभी जो हमारे सामने जो मामले आए हैं तो एक तो 43 लाख का है, 50 लाख का है और इस तरह से करीब लगभग 1 करोड़ के मामले आए हैं सामने, और भी अगर सामने आते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, कुछ और थानों में भी, जूनी इंदौर में भी एक मामला गया है, वहाँ पर शिकायत की है। तो सभी जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्रों में शिकायत कर रहे हैं। इसको पकड़ा पुलिस ने, अभिरक्षा में लेके था, कनाडिया पुलिस के पास आया था, तो फिर हम लोगों ने इनसे अभिरक्षा में लेके पूछताछ की है। अभी मामला जुर्म स्वीकार कर रहे हैं और इनको कल पेश करेंगे न्यायालय में। सर, कुछ फ्रॉड की धोखाधड़ी भी सामने आई है? हाँ, ये इसने हर तरह से लोगों को अपने विश्वास में लेकर, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी और फॉर्चुनर BMW ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था, तो उससे लोग इसकी जल्दी से बहकावे में आ जाते थे और उसको काफ़ी पैसा लोग देते थे। सर,